हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गहलोत ने केदारनाथ में ध्यान लगाने को लेकर पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केदारनाथ में ध्यान लगाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को मजाक उड़ाया। उन्होंने आश्चर्य जाहिर किया कि मोदी अब क्या संदेश देना चाहते हैं। मोदी उत्तराखंड में हिमालय स्थित तीर्थस्थल में पूजा करने के बाद पास की गुफा में ध्यान लगाने गए। टेलीविजन चैनलों ने उनकी तस्वीरें प्रसारित की जिनमें वो एक भगवा चादर लपेटे ध्यान की मुद्रा में बैठे नजर आते हैं। गहलोत ने प्रधानमंत्री पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज वो भगवा धारण कर एक गुफा में बैठे हुए हैं। भगवान ही जाने वो क्या संदेश देना चाहते हैं, हर कोई उन्हें देख रहा है। मोदी रविवार को बद्रीनाथ में रहेंगे। बद्रीनाथ उत्तराखंड के पवित्र चार धामों में शामिल एक अन्य तीर्थस्थल है। गहलोत ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर चुप रहने तथा इनकी जगह धर्म और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे उठाने को लेकर मोदी की आलोचना की। मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह द्वारा शुक्रवार को किए गए संवाददाता सम्मेलन पर टिप्पणी करते हुए गहलोत ने यह कहा कि उन्होंने पिछले 5 साल में मीडिया को संबोधित नहीं किया, लेकिन अब संवाददाताओं के सामने आ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके चेहरे और शारीरिक हाव भाव को देखिए, देश ने ये देख लिया कि वे क्या संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें बहस करने की चुनौती दी, पर वे पीछे हट गए। वे लोग क्यों मुद्दों पर चर्चा करने से पीछे हट जाते हैं? उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया? उनका दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने सिर्फ अपने चुनाव प्रचार और रणनीति के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह दोनों लोगों के लिए सिर्फ मजाक बनकर रह गए हैं, क्योंकि हर कोई उनके संवाददाता सम्मेलन का उद्देश्य खोज रहा है। गहलोत ने दावा किया कि दोनों हारे हुए योद्धा लग रहे थे और मोदी निश्चित तौर पर चुनाव में पराजित होंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।